अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फारू टेक। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो टिकटॉक की कोई भी वीडियो है वो फार यू के अंदर लेकर आप जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स जो मेरे हैं वो टिकटॉक यूज़र हैं और बहुत से आपने वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें बहुत से लोग आपको बता रहे होते हैं कि आप शेयर पर जाएँ, अदर पर जाएँ और कैंसिल कर दीजिए, 3 बार कीजिए और आपकी वीडियो फार यू में चली जाएगी। लेकिन आप करते हैं, इससे क्या होता है कि उसी इंसान की जिसकी वीडियो को आप 3 बार शेयर करते हैं उसी की वीडियो जो है वो फॉर यू पर चली जाती है, लेकिन आपकी जो वीडियो होती है वो फॉर यू पर नहीं जाती। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मुकम्मल ट्रिक कैसे है, फॉर यू की ट्रिक कैसे और आपकी वीडियो जो है वो फॉर यू पर कैसे जाएगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो 3 हैं और उन 3 के ज़रिए आपकी जो वीडियो है वो फॉर यू में 100% जाएगी। सो सबसे पहले जो है मैं अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो है आप यहाँ स्टार्ट में कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने आज ही पोस्ट की हैं। फ्रेंड्स, आपने वीडियो पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 जो है अपने फेक अकाउंट्स बना लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है 3 फेक अकाउंट बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आपने भी अपने 3 अकाउंट्स बना लेने हैं कोई भी और उन्हें अपने मोबाइल के अंदर ही ओपन कर लेना है। वीडियो अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने दूसरे अकाउंट पर, जैसे कि मैं अपना यहाँ से 2nd अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने वही शेयर अदर कैंसिल वाली जो ट्रिक है उसे किस तरह से यूज़ करना है। आपने अपने जो है यहाँ पर अकाउंट को, ओरिजिनल जो आपका अकाउंट है उसे सर्च कर लेना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो अपनी ट्रिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वीडियोज़ पर लगाई है, कुछ वीडियोज़ पर अपनी ट्रिक लगाई है तो वो यहाँ पर जो है फॉर यू के ऊपर चल भी रही हैं और उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ और आप देख सकते हैं कि शेयर भी आए हुए हैं। सो अब अपने मेथड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमने करना क्या है, किस तरह से हमारी जो वीडियो है वो फॉर यू पर जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक वीडियो के ऊपर ऑलरेडी ये ट्रिक अभी कुछ ही देर पहले लगाई भी है और मैं यहाँ पर अपनी दूसरी जो है वीडियो को ओपन करता हूँ। वीडियो को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो को शेयर करना है और किस तरह से करना है, आपने एक अकाउंट से जस्ट 5 बार आपने अपने वीडियो को जो है एक अकाउंट से 5 बार शेयर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, अदर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने जो है कुछ आइकॉन्स आ जाएंगे जहाँ पर हम मीडिया के ऊपर इसे शेयर कर सकते हैं अपने वीडियोस को। आपने जस्ट यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देना है या कॉपी लिंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अदर्स के ऊपर जाकर, तो आपने अदर्स के ऊपर जाकर कॉपी लिंक कर लेना है। सो मैं जल्दी से यहाँ से जो है इसे 5 बार शेयर अदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है 5 बार लिंक को कॉपी कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट मेथड जो है वो पूरा हो जाता है। अब हमारा 2nd मेथड क्या है जो हमने करना है, वो फ्रेंड ये है कि आपने शेयर के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है रिपोर्ट का बटन देख सकते हैं। सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने किसी भी रिपोर्ट के ऊपर कोई क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ एक रिपोर्ट मिल जाएगी, वो है हेट स्पीच की रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेट स्पीच के जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपने हेट स्पीच के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलेगा, आपने डन कर देना है। जब हम बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी 2nd वीडियो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी जो है रिपोर्ट लग चुकी है। फ्रेंड्स, रिपोर्ट लगाने के बाद आपने दिन के अंदर 2, 3, 4 ये जितनी भी आपने वीडियोज़ अपलोड की हैं आप उनके ऊपर 5 बार उन्हें जो है शेयर करें, अदर करें और कॉपी लिंक कर लीजिए और उसके बाद आपने हेट स्पीच की रिपोर्ट कर देनी है, इससे कि आपके अकाउंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसके बाद आपने क्या करना है, यही मेथड आपने अपने 2nd अकाउंट से करना है, फिर 3rd अकाउंट से, फिर 4th अकाउंट से, जितने भी आप फेक अकाउंट बना सकते हैं आपके लिए बेटर है।
तो आपने इसी तरह से सबको जो है शेयर करना है और रिपोर्ट प्रॉब्लम कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 घंटे तक अपने टिकटॉक के ओरिजिनल अकाउंट को, फेक अकाउंट आप यूज करते रहें लेकिन जो है आपने अपना ओरिजिनल अकाउंट को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। इस हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।